नमस्कार दोस्तों, जय गुरु जी। मेरा नाम है संदीप बजाज जी। सुधा जी, कैसे हैं आप? दोस्तों प्लीज अभी आप अपने आप को म्यूट रखेंगे। हमारा जो वर्कशॉप है ये 1 घंटे के करीब चलेगा और अभी बिल्कुल 12:11 हो गए हैं, तो हम अपना वर्कशॉप अभी स्टार्ट करेंगे। आज का जो वर्कशॉप है वो है मोबाइल न्यूमरोलॉजी के ऊपर, बिकॉज न्यूमरोलॉजी जो है वो बहुत बड़ी साइंस है। उसका एक छोटा सा चैप्टर है जिसके बारे में अभी हम जानेंगे आज। दोस्तों आज की डेट में हमारे पास जो है एक बहुत बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है मोबाइल, और इसके बिना हमारी जिंदगी चलती नहीं है। जब भी दोस्तों कभी आपने अपना मोबाइल नंबर चूज किया होगा तो डेफिनेटली उसमें क्लियर बात थी कि उसके अंदर उस नंबर ने आपको चूज किया था, आपने उस नंबर को चूज नहीं किया था। क्योंकि आप शॉप पे गए, आपने शॉप पे जाके देखा, समझा और आपने उसको चूज कर लिया। ना तो आपने उसकी वाइब्रेशन को देखा, ना उसके पीछे जो वो फैक्ट्स हैं आपने वो समझने की कोशिश करी। तो आज दोस्तों मैं वही फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स आपको बताने जाऊंगा। हम इसको और 2-3 मिनट के बाद स्टार्ट करेंगे, बिकॉज कुछ लोग अभी ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं, उनको कोई पासवर्ड का इशू आ पा रहा है। अदरवाइज जो जो आते जा रहे हैं उनको हम एंट्री दे रहे हैं। मेन बात यही है कि न्यूमरोलॉजी जो है वो बहुत बड़ी साइंस है। न्यूमरोलॉजी हमें नहीं पता कब स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई, बट उसके जो फैक्ट एंड फाइंडिंग है वो ये कहते हैं कि 10,000 साल से कहीं ना कहीं पे अंकों का खेल खेला जा रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर, और इंडिया ही इसका कहीं ना कहीं पे जन्मदाता है। दोस्तों जब हम पैदा होते हैं कोई ना कोई नंबर हमसे आके अटैच हो जाते हैं जो कि हमारे को डेट ऑफ बर्थ के रूप में मिलते हैं। इसके बाद हमारा MCD सर्टिफिकेट, हमारा आधार कार्ड, पैन कार्ड, रोल नंबर, पासपोर्ट, जो भी चीजें आप देखते हो वो सारा का सारा नंबरों से घिरा पड़ा है। बिना नंबरों के हम उन चीज के ऊपर स्पोर्ट ले ही नहीं सकते हैं। और इवन जब किसी की भी अंत होता है, उसकी डेथ होती है, तो वहां पे भी जब उसको जलाया जाता है वहां भी कुछ ना कुछ नंबर खड़े होते हैं उसको वो चीज देने के लिए, वो रसीद देने के लिए। सो दोस्तों नंबरों का बहुत बड़ा खेल है हमारे लाइफ में। आज जो हम जिस विषय पे बात करेंगे वो विषय है मोबाइल न्यूमरोलॉजी। मोबाइल न्यूमरोलॉजी एक इतना जबरदस्त टॉपिक हो गया है आज की डेट में कि बिना मोबाइल के हम घर से बाहर निकल ही नहीं सकते हैं। अगर मोबाइल हमारा घर पे छूट जाता है या ऑफिस में छूट जाता है तो बिल्कुल मन तड़पता रहता है कि क्या ऐसा हो गया। अब उसके अंदर एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट डलता है जिसे हम कहते हैं सिम कार्ड। सारी कहानी उस सिम कार्ड के एक्टिवेशन के ऊपर ही होती है, और उसके अंदर भी कुछ ना कुछ नंबर डले होते हैं। दूसरा एक नंबर था जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में बैन है। रशिया में जिसने ये नंबर लिया वो नंबर था 8888888888, 10 बारी 8, शनि। तो जिसने भी वो नंबर लिया उसकी वो अननेचुरल डेथ हुई। जब तक जस्ट डायल वाले 22222222 के साथ खेल रहे थे उनका जो सफर था बहुत बढ़िया था, और जब से उन्होंने एक नंबर ले लिया है 8888888888, उनका वहां पे वो टेंशन स्टार्ट हो चुकी है। तो लाइफ में हमें यही समझना है कौन सा नंबर हमारे लिए स्पोर्टिव है एज पर अवर डेट ऑफ बर्थ, और कौन सा नंबर हमारा दुश्मन है। हर नंबर के पीछे दोस्तों कुछ ना कुछ कहानी छुपी है, कुछ ना कुछ राज छुपे हैं, पर हमें यह देखना है कि हमें किससे कैसे सपोर्ट लेना है। वो सपोर्ट हम कैसे लेंगे उसके बारे में ही आज मैं आपको जानकारी दूंगा। और बस 1 मिनट में इसको स्टार्ट करते हैं। आप सब लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है संदीप बजाज और मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। 2011 में मुझे मौका मिला था अरविंद सूद सर से न्यूमरोलॉजी सीखने का। उससे पहले मैं जॉब करता था और मुझे आइडिया नहीं था इस साइंस के बारे में, पर मैंने बहुत बुक्स पढ़ी थी पर मेरे को उससे रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था। लेकिन जैसे ही अरविंद सूद सर मेरी लाइफ में आए 2011 में, उन्होंने मुझे सिखाया और मेरी डेस्टिनी वहीं से चेंज हुई। अब क्या है कि वो चीज़ सीखने के बाद बहुत चीज़ें लाइफ में चेंज करनी भी पड़ती हैं। जैसे जब मैं चंडीगढ़ गया तो मुझे मेरी लड़की मिली थी, मेरी स्टूडेंट थी चित्रा। चित्रा ने मुझे समझाया कि सर जो आप मोबाइल का सब पढ़ा रहे चैप्टर इसके अंदर थोड़ा एडवांस और डालो। तो वहां से मैंने ये फ्रिक्वेंसी को पकड़ा जो मैं आपको आज सिखाने जा रहा हूं। सो आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू चित्रा जी जिन्होंने मुझे उस समय सिखाया, बताया कि सर अगर आप इसके साथ इस फ्रिक्वेंसी को जोड़ते हो तो आपकी लाइफ में और कमाल हो जाएगा। और वाकई कमाल हुआ। जब मैं चंडीगढ़ से दिल्ली आया मैंने आके वही नंबर लिया जिसके ऊपर से अभी मार्केटिंग हुई है, और वहां पे मैंने उस नंबर को जोड़ा अपने साथ। उसके अलावा मेरे पास 4 नंबर और भी थे, लेकिन जैसे ही मैंने उस नंबर को जोड़ा अपने साथ उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी जबरदस्त निकली कि 2 साल से मेरे पास क्लाइंट जो है वो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, ऑल ओवर वर्ल्ड के क्लाइंट मुझसे जुड़ते जा रहे हैं।
तो वो क्या थी फ्रीक्वेंसी, आज मैं आपको उसके बारे में ही बताने जा रहा हूं। आपके जो भी क्वेरीज है आप उसको नोट डाउन करिए, बिल्कुल टाइम मिलेगा। मौसम होता है आप ये समझ लीजिए कि हम 1:30 बजे तक साथ रहेंगे, 1:30 तक हम साथ रहेंगे, और बस इसको मैं अब स्टार्ट कर रहा हूं। तो दोस्तों जय गुरु जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी। प्लीज अपने आपको म्यूट कर लीजिए और आपके जो भी क्वेश्चन है उसको आप नोट करिए, सबको टाइम मिलेगा उसको डिस्कस करने का। तो दोस्तों आज का हमारा चैप्टर है लकी मोबाइल न्यूमरोलॉजी। दोस्तों होता क्या है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो यूनिक है, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ यूनिक है ऐसे ही मेरी डेट ऑफ बर्थ भी यूनिक है। तो हर डेट ऑफ बर्थ के अंदर भगवान ने कुछ ना कुछ राज छुपा के भेजे हैं। तो सबसे पहले देखिए कि कैसे आपको डेट ऑफ बर्थ निकालनी होती है। किसी भी आदमी की डेट ऑफ बर्थ को हम निकाल सकते हैं। मेरी डेट ऑफ बर्थ है दोस्तों 17 नवंबर 1971। आप चाहें तो इसको अपने पेपर कॉपी पे लिख लीजिए। हर डेट ऑफ बर्थ के अंदर दोस्तों दो मेन फैक्टर होते हैं, एक है मूलांक और एक है भाग्यांक, एक है ड्राइवर और एक है कंडक्टर, एक है साइकिक नंबर और एक है डेस्टिनी नंबर। तो सबसे पहले आप देखो कैसे इसको निकालना होता है। जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 नवंबर 1971, तो 17 जो मेरी डेट है वो है मेरा मूलांक। तो 17 को जब हम जोड़ते हैं उसको सबसे पहले हम सिंगल डिजिट पे लेके आते हैं, सिंगल डिजिट पे। तो सिंगल डिजिट आती है 17 से जोड़ने के बाद, 7 और 1 = 8, 1+7=8। तो मेरा मूलांक जो है वो है 8। इसके बाद थोड़ा और आगे चलते हैं दोस्तों। अब मेरी पूरी डेट का हम कैलकुलेशन करेंगे। जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 नवंबर 1971, अगर आप इसको टोटल करते हैं तो टोटल आपका कितना आता है 28। तो 28 का मतलब है 2+8=1। सो मेरा ड्राइवर है 8 और मेरा कंडक्टर है 1। ऐसे दोस्तों आप सब लोग अपना निकाल सकते हैं। जैसे इंडिया का है 15 अगस्त 1947, लिखिए आप इसको 15th August 1947। तो इसके अंदर जो मूलांक निकलेगा वो निकलेगा 6, और 15th August 1947 को आप टोटल करते हैं तो टोटल आता है 35। तो इंडिया का ड्राइवर है 6 और कंडक्टर है 8। इंडिया का ड्राइवर है 6 और कंडक्टर है 8। सो हर डेट ऑफ बर्थ के अंदर कुछ ना कुछ राज छुपे हैं, हमें सिर्फ उसको डायग्नोस करना है। दोस्तों इसी श्रृंखला में एक तीसरी चीज आती है, वो है कुआ नंबर। हर मेल और फीमेल का कुआ नंबर अलग होता है, तो आप इसको भी निकालने का तरीका देख लीजिए। ये कुआ नंबर जो है ये एक स्पेशल पावर है दोस्तों, जो भगवान ने आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ में दी है। उसको कैसे निकालते हैं थोड़ा इसके बारे में समझिए। जो कुआ नंबर है हमेशा मेल का अलग निकलता है, फीमेल का अलग निकलता है। तो जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ का साल है 1971, इसको एड अप करिए कितना आया। अगर आप 1971 को एड अप करते हैं तो टोटल आता है 18, 18 को फिर टोटल करते हैं तो टोटल आता है 9। तो दोस्तों कुआ नंबर निकालने का, या उसको एंजल नंबर भी हम कहते हैं, उसको निकालने का फॉर्मूला है मेल के लिए। सबसे पहले लिखिए मेल के लिए 11 - रिमाइंडर। तो मेरे केस में जो रिमाइंडर आया वो है नंबर 9। तो 11 - 9=2। सो मेरा जो कुआ नंबर है वो है 2। अब आपने क्या करना है मेरे हाथ पे देखिए, ये देखिए मेरे हाथ पे आपने अपना कुआ नंबर यहां पे लिखना है रोज सुबह। और अभी मैं जब इसको ओपन करूंगा लोग अभी आके बताएंगे तो आप लोग हैरान हो जाएंगे कि कैसे इस वाइब्रेशन ने कितने लोगों को कितना बड़ा बड़ा फायदा दिया है। तो हमेशा कुआ नंबर लिखने हैं उल्टे हाथ की कलाई के नीचे, और हमेशा ग्रीन पेन से लिखना है आपने। ये मेल के लिए कुआ नंबर है 11 - रिमाइंडर। तो मेरा जो आया था साल वो आया था 9। तो 11 - 9=2। तो मेरा कुआ नंबर देखिए मैंने ये लिखा है 2। हमेशा लिखो, लिखने के बाद आपने उसको सर्कल भी करना है। अब फीमेल के लिए देखते हैं फीमेल के लिए कैसे निकालना है। तो अगर हम मानते हैं फीमेल भी कोई 1971 वाली है तो उनका भी हमने टोटल किया, वो टोटल आया नंबर 9। 1+9+7+1=18, और 18 का मतलब जो आया
वो आया 9। तो अब इसका भी फॉर्मूला देख लीजिए, इसके अंदर क्या करते हैं हम, रिमाइंडर प्लस 4 होता है। मेल के लिए था 11 माइनस रिमाइंडर, यहां पे है 4 प्लस रिमाइंडर, तो इस केस में रिमाइंडर आया 9। तो 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 13, 13 का मतलब हुआ अगेन 4। तो जो भी लेडी है 1971 वाली, उनका कुआ नंबर हुआ 4। अब चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, हमेशा उनको अपने लेफ्ट हैंड पे ही लिखना है। और इसको यूज करके देखिए, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, हमेशा आपने इसको लेफ्ट हैंड पे ही लिखना है। इसको लाइफ में यूज करके देखिए, आप हैरान रह जाएंगे कि कैसे आपकी लाइफ के अंदर ये अगले 108 घंटे में जुड़ के आपकी लाइफ में मिरेकल्स ला सकता है। मेरे पास दोस्तों ऐसे ऐसे टेस्टिमोनियल हैं कि जिनकी 15-15 लाख रुपए पेमेंट फंसी हुई थी, वो एक बारी लिखने के बाद 4 साल से वो पेमेंट घर पे चल के आई है, सिर्फ एक ही बारी लिखने के बाद। और भी ऐसे टेस्टिमोनियल हैं जिनका एडमिशन नहीं हो रहा था, उनका एडमिशन हो गया 108 घंटे में। जिनके कुछ फंड्स प्रॉब्लम चल रहे थे, उनको भगवान ने वो आशीर्वाद दिया। सो ये हर एक का एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज नंबर है। आप इसको रोज सुबह लिखिए और इसकी वाइब्रेशन को फील करिए। जितना आप इसके साथ लिखते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, उतना आपके लिए लक फैक्टर स्ट्रांग होता जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा मूलांक और भाग्यांक निकालने का तरीका, और साथ में कुआ नंबर निकालने का तरीका। सर कैन वी राइट इट ऑन द बुक आल्सो? नहीं मैम, ओनली ऑन योर लेफ्ट हैंड, ओनली ऑन योर लेफ्ट हैंड विद ग्रीन पेन। राइट, थैंक यू जी। सर 4-4 आया तो क्या करेगा? मैम सब लिखना है, कोई उसका मतलब नहीं है, 4 का 2 का किसी का कोई मतलब नहीं है। आपको जो बताया जा रहा है उसको निकाल के सिर्फ लिखिए। बट सर 0 आ रहा है तो? नहीं मैम 0 कभी नहीं आएगा, हमेशा 9 नंबर ही आएगा। आप गलत कैलकुलेट कर रहे हैं उसके अंदर। रूपल जी अभी कैलकुलेट करके रखिए, मैं क्वेश्चन आंसर बाद में लूंगा, वरना जो देना चाह रहा हूँ सब छूट जाएगा। अगर आप एक क्वेश्चन आएंगे तो जो देना चाह रहा है आपको सब कुछ खत्म हो जाएगा। मेरा टाइम 1:30 बजे तक कीमती है मैम। जी जी जी। सो दोस्तों होता क्या है कि 9 के 9 नंबर जो है, सॉरी सर, जो 9 के 9 नंबर है, हर नंबर की अपनी एक स्पेशल फ्रीक्वेंसी है। देखिए एक नंबर जो है उसको हम कहते हैं राजा का नंबर। अब वो क्या कर सकता है वो आपको समझाता हूं। एक नंबर जो है वो यूनिवर्स में कहा गया है राजा किंग का नंबर है। तो अब आप लिखिए इसका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, क्योंकि मैं आपको जो समझाने चाह रहा हूं उसके अंदर, मोबाइल नंबर के अंदर, ये आपको बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। तो एक नंबर जो है उसका सबसे बड़ा दुश्मन है नंबर 8। एक नंबर जो है उसका सबसे बड़ा दुश्मन है नंबर 8। इसको कभी भी आप कुआ नंबर पे एप्लीकेबल नहीं करेंगे। कुआ नंबर का इस दुश्मन से कोई लेना देना नहीं है। जो भी भगवान ने आपको साल दिया है, साल से आप निकालेंगे। अगर आप मेल हैं तो 11 माइनस रिमाइंडर, अगर आप फीमेल हैं तो 4 प्लस रिमाइंडर। कुआ नंबर का कोई दुश्मन नहीं होता। अगर वो 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, आपको वो लिखना है अपने उल्टे हाथ पे। तो वो क्वेश्चन बार बार ही मत करिएगा। मैंने आपको उसका आंसर क्लियर कर दिया है। कुआ नंबर जो भी आएगा उसका कोई दुश्मन नहीं है, उसको आपने शिद्दत के साथ अपने लेफ्ट हैंड पे लिखना है। तो एक नंबर जो है उसका सबसे बड़ा दुश्मन है नंबर 8। नीचे देखिए, ऊपर नंबर आ रहा है और नीचे उसका एनिमी नंबर आ रहा है। सो नंबर 2 जो है वो नंबर है रानी का। रानी का जो दुश्मन है कहा गया है वो है नंबर 4, नंबर 8, नंबर 6, नंबर 9। 4, 8, 9, 6, ये बहुत बढ़िया जो मैं आपको देने जा रहा हूं ना आज, ये बहुत जबरदस्त है। अगर आप लाइफ में इसको यूज कर पाए तो आप हैरान आ जाएंगे ये कितनी सटीक जानकारी है जो मैंने आपको आज देने जा रहा हूं। सो एक नंबर का सबसे बड़ा दुश्मन है नंबर 8। 2 नंबर जो है उसका सबसे बड़ा दुश्मन है 4, 8, 9, 6। लिख लीजिए इसको 4, 8, 9, 6। जो 3 नंबर है उसका सबसे बड़ा दुश्मन है नंबर 6। जो 3 नंबर है उसका सबसे बड़ा दुश्मन है नंबर 6। 4 नंबर जो है ये राहु का नंबर है। 3 नंबर जो है वो जुपिटर का नंबर है। 2 नंबर जो था वो वाटर रानी का नंबर था। 1 नंबर जो था वो सन राजा का नंबर था। अब 4 नंबर जो है इसके सबसे बड़े दुश्मन है नंबर 2 एंड नंबर 9। नंबर 2 एंड नंबर 9, और ब्रैकेट में आप लिखेंगे 4 एंड 8 ऑल्सो। सबसे बड़े दुश्मन है नंबर 9, नंबर 2, ब्रैकेट में आप लिखेंगे 4 एंड 8 ऑल्सो।
नेक्स्ट जो नंबर है ये न्यूमरोलॉजी का सबसे जबरदस्त नंबर है। ये नंबर जो है लाइफ में आपको वो दे सकता है जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं होगा। एक बारी अगर आपने 5 नंबर को अपने साथ जोड़ लिया तो आप हैरान रह जाएंगे कैसे लाइफ में ये आपके लिए मिरेकल कर सकता है। 5 नंबर को कहा गया है मरकरी का नंबर है और सोलर सिस्टम में सन के पास जो सबसे पहला प्लैनेट है दैट इज नंबर 5। और वैसे भी अगर आप देखेंगे तो न्यूमरोलॉजी के अंदर भी 5 का बहुत उत्तम स्थान है, लेकिन अगर आप वैसे काउंटिंग करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो 9 नंबर है। 9 में सेंटर में जो आता है वो 5 नंबर आता है, 4 नंबर एक तरफ और 4 नंबर एक तरफ। तो 5 जो है अपने आप में बहुत 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 सपोर्टिव नंबर है। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी आपके साथ जुड़ गई तो ये वो खेल खेल सकता है जो आपने लाइफ में सोचा नहीं होगा। चूंकि ये कहा गया है छोटा ग्रह है, बच्चा ग्रह है, तो इसका कोई भी दुश्मन नहीं है। सो नो एनिमी इज देयर फॉर नंबर 5। नंबर 6 जो है इसके बाद सबसे सपोर्टिव, सबसे जबरदस्त नंबर है। दोस्तों मैं अपनी हर क्लास में समझाता हूं अपने स्टूडेंट्स को कि 5 नंबर जो है वो है एयरपोर्ट और 6 नंबर जो है वो है एरोप्लेन। लाइफ में दुनिया गलती करती है, पहले एरोप्लेन को ले आती है और उसके बाद वो टेक ऑफ कर जाता है और आपकी लाइफ में वो सुख सुविधा नहीं आ पाती। तो सबसे पहले दोस्तों आपको लाइफ में पकड़ना है नंबर 5, 5, 5 और सिर्फ 5। एक बारी 5 आपके साथ जुड़ गया तो अगला नंबर जो आपके लिए सबसे ज्यादा सपोर्टिव होगा वो होगा नंबर 6। अब नंबर 6 जो है उसके सबसे बड़े दुश्मन है नंबर 3 और नंबर 9। 6 नंबर जो है ये भी गुरु का नंबर है, वीनस का नंबर है। वीनस जो है या दैत्यों के जो गुरु थे शुक्राचार्य, उनका नंबर है। लाइफ में ये आपको ऑल बेस्ट अपॉर्चुनिटीज देता है, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा जो भी आप चाहते हैं लाइफ में, क्योंकि इनके साथ एक फ्रीक्वेंसी जुड़ी है, ये दिल मांगे मोर, कम चीज से इनका गुजारा नहीं होता, वो मेन चीज है। सो लाइफ में इनकी फ्रीक्वेंसी सबसे जबरदस्त है, सिर्फ उसको अपने साथ जोड़ के रखना है। वो कैसे जोड़ेंगे वो आगे बताता रहूंगा मैं आपको, लेकिन इनका जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो है नंबर 3 और नंबर 9। नंबर 7, दोस्तों नंबर 7 जो है वो केतु का नंबर है। कहा गया है राहु केतु कंप्लीट हो जाए तो बॉडी कंप्लीट हो जाती है, लेकिन नंबर 7 जो है उसके पास हेड नहीं है और नंबर 4 के पास बॉडी नहीं है। नंबर 7 जो है बहुत प्योर नंबर है, लाइफ के अंदर आपको बहुत सपोर्ट दे सकता है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, उसके पास हेड नहीं है तो वो दिल से हर चीज को देखता है, सोचता है, समझता है। ऐसे लोगों के बारे में कहा गया है ओवर ट्रस्ट इज देयर बिगेस्ट प्रॉब्लम। ऐसे लोग आंखें बंद करके दूसरों पे विश्वास कर लेते हैं और उनको लाइफ में वहीं से धोखा मिलता है। तो मेरी नंबर 7 वालों के लिए सबसे बढ़िया हिदायत है कि ऐसे लोग जो है लाइफ में कभी भी पार्टनरशिप ना करें। अगर वो लाइफ में पार्टनरशिप करेंगे तो उनको धोखा मिलना ही मिलना है, उसके अंदर उनके लिए कोई भी सेकंड ऑप्शन नहीं रहेगी। तो ऐसे लोगों को लाइफ में कभी पार्टनरशिप नहीं करनी है। मान लीजिए किसी का मूलांक साथ है और किसी का भाग्यांक साथ है, ऐसे लोगों के लिए क्लियर हिदायत है कि ऐसे लोगों को कभी भी लाइफ में पार्टनरशिप नहीं करनी है और ऐसे लोगों को कभी भी लाइफ में किसी को उधार नहीं देना। अगर आपने उधार दिया तो आपका पैसा कभी भी वापस नहीं आएगा, चाहे वो आपका जीजा हो, चाहे बहनोई हो, चाहे वो आपका बुआ का लड़का हो, चाहे वो आपका बॉस हो, किसी को भी आपने लाइफ में पैसा नहीं देना। और ये स्पेशल हिदायत है उन लोगों के लिए जो 1977 में पैदा हुए हैं, क्योंकि उनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर वो 77 आ रहा है। सो ये इनके लिए सबसे पहली चीज है। दूसरा, चूंकि केतु का नंबर है, बहुत प्योर नंबर है, ये हर एक को अपना दोस्त, अपना मित्र मानता है। तो ऐसे लोगों के लिए स्पेशल जो हिदायत है वो यही चीज के ऊपर है कि ऐसे लोगों के कोई दुश्मन नहीं होते हैं। अच्छी बात है, दुश्मन नहीं भी होने चाहिए लाइफ के अंदर, पर इनके साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो है ओवर ट्रस्ट। तो इनको बड़ा सोच समझ के लाइफ में हर एक पे ट्रस्ट करना है, क्योंकि इनको धोखे लाइफ में सबसे ज्यादा मिलते हैं। ये बात कन्फर्म है दोस्तों, अगर आपने अपना एम्प्लॉय रखा है नंबर 7 वाला
तो वो कभी आपको धोखा नहीं देगा, वो लुट जाएगा पर वो धोखा नहीं देगा। सो अगर आपको अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है ऐसे एम्प्लॉयज की, तो वो आप बढ़ाएं अपने साथ। इससे जो अगला नंबर है वो है नंबर 8 शनि का। शनि भगवान बहुत अच्छे हैं, सिर्फ वो ये कहते हैं कि आपको अपना जो पराक्रम है बढ़ाने के लिए जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत करो। और हम सब लोग जो है आज की डेट में मेहनत को अवॉइड करते हैं, और उसी वजह से हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं पे धोखे धक्के या स्ट्रगल बढ़ जाती है। देखिए जितने भी नंबर अभी तक आप लोगों ने बनाए हैं अपने हाथ से, देखिए हर एक नंबर का एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एक एंड पॉइंट है। अब आप जरा 8 को बड़े ध्यान से देखिए, जैसे मेरा कर्सर घूम रहा है स्क्रीन पे, इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, कोई एंड पॉइंट नहीं है। तो लाइफ में ऐसे लोगों की स्ट्रगल सबसे ज्यादा होती है। सिर्फ इनके लिए एक ही मंत्र है, छल कपट नहीं करना, किसी की बुराई नहीं करनी, किसी को तकलीफ नहीं देनी। जितना ये लाइफ में दूसरों को तकलीफ देंगे उतना ये लाइफ में पनिशमेंट 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 पाएंगे, वो सबसे बड़ी इनके साथ माइनस पॉइंट होता है। जब भी आपने किसी 8 नंबर वाले के साथ पार्टनरशिप करनी है तो देखना है क्या आपका जो डेट ऑफ बर्थ है क्या वो 1, 2, 9, 4, 8 तो नहीं है, क्योंकि 8 नंबर के जो सबसे बड़े दुश्मन हैं वो है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 9, नंबर 4 एंड नंबर 8। 1, 2, 9, 4, 8 इन लोगों की नंबर 8 वालों से नहीं बनती है। जितना ये इन नंबरों से दूर रहेंगे उतना इनकी लाइफ में सक्सेस स्टोरी आएगी, जितना ये नंबरों के पास आएंगे उतना इनकी लाइफ में हर्डल्स टेंशन आएंगी। सो लास्ट नंबर इज नंबर 9, हनुमान जी का नंबर है। दोस्तों 1 से लेके 8 नंबर एक तरफ और अकेला 9वां नंबर एक तरफ, अगर देने को आए तो छप्पर फाड़ के दे दे, और अगर लेने पे आए तो भाई साहब आप एक घर पे आके घुस के आपके प्राण ले सकता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत दयावान होते हैं, हमेशा देने के लिए ही भगवान ने इनको इस धरती पे भेजा है। और मजे की बात देखो दोस्तों, हम जो लोग इस कमरे में बैठे हैं जो चीजों को देख रहे हैं समझ रहे हैं 2000 से पहले वाले, हम सबको भगवान का आशीर्वाद है, हमारे पास 1 नंबर भी है और 9 नंबर भी है। इसी वजह से हम लोगों के बीच में मानवता जिंदा है। हमने सबने बहुत कोशिश करी है किस ढंग से कैसे हम दूसरों की हेल्प कर सके। सो वो 9 नंबर ही इसका मेन कारक है। देख लेते हैं कौन है इसके लिए इनके दुश्मन। तो सबसे पहले इनका दुश्मन है वो है नंबर 6, इसके बाद राहु नंबर 4, देन नंबर 2 चंद्रमा, देन नंबर 8 शनि, और लास्ट में नंबर 9। वो खुद भी इनके साथ उसकी कंपेटिबिलिटी कम बैठती है तो लास्ट में 9 को रखा गया है। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, 6, 4, 2, 8, 9। इसको दोस्तों जितना इजीली आप याद कर पाएंगे उतना आपके लिए ये सक्सेस स्टोरी का काम करेगा, क्योंकि लाइफ में जो है आपकी डेट ऑफ बर्थ फिक्स है दोस्तों, हम कभी भी लाइफ में डेट ऑफ बर्थ को चेंज नहीं कर सकते। अब आपने क्या करना है, अब आप सबसे पहले अपने मोबाइल नंबर को अपने पेपर पे लिखिए। जैसे मेरा मोबाइल नंबर है 9911 9911 736 555, 9911 736 555। तो इसको अगर आप टोटल करते हैं तो इसका टोटल आता है 51 51, को सिंगल डिजिट पे लेके जाते हैं तो उसका टोटल है नंबर 6। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा मूलांक है 8 और मेरा भाग्यांक है 1, तो क्या 8 6 का दुश्मन है दोस्तों? 8, आप चेक करिए नंबर 8 में, क्या 8 का दुश्मन 6 है? नहीं 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 नहीं। क्या 1 का दुश्मन 6 है? नहीं नो सर। तो सबसे पहले सिद्धांत आपने ये देखना है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ फिक्स है, तो जिसका टोटल जो एंड में आ रहा है वो कभी भी आपका दुश्मन ना हो। सबसे पॉजिटिव नंबर जो न्यूमरोलॉजी में है वो है 1, 5 और 6। सबसे पॉजिटिव नंबर जो न्यूमरोलॉजी में है वो है 1, 5 और 6।
तो हमेशा आपने टोटल जो है इन्हें तीन नंबरों पे लेके आना है। बट मान लो किसी का मूलांक तीन है और भाग्यांक आठ है, तो तीन का दुश्मन है छह और आठ का दुश्मन है एक, तो उनके लिए टोटल हमेशा पांच 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 और सिर्फ पांच ही आएगा। किसी का भाग्यांक आठ है, किसी का सॉरी ड्राइवर आठ है, कंडक्टर थ्री है, तो तब भी वही होगा। आठ का दुश्मन देखना है एक, बहुत क्लियर है। तीन का दुश्मन कौन है छह, बहुत क्लियर है। तो बचा सिर्फ हमारे पास पांच, क्योंकि हम जब भी मोबाइल का टोटल लेंगे वो हमेशा तीन डिजिट पे आएगा, एक पांच और छह, दैट्स ऑल। अब आपने सबसे पहले अपने मोबाइल का नंबर चेक किया और आपको समझ में आया कि इसके अंदर जो टोटल आ रहा है वो अच्छा नहीं आ रहा, तो अब क्या करें? अब आपने सबसे पहले एक नया मोबाइल नंबर लेना है। वो क्या होगा? उस मोबाइल नंबर के अंदर ना दो का अंक आएगा, ना चार का अंक आएगा, ना आठ का अंक आएगा। क्या मेरे मोबाइल में दो चार आठ है? आपको दिखाई दे? नो सर, नो सर, मोबाइल में नहीं। जी जी जी, ना मेरे मोबाइल में दो चार आठ है, ना मेरा टोटल दो चार आठ पे आ रहा है। तो सबसे पहला सिद्धांत कि आपको चेक करना है आपके मोबाइल नंबर में जो सबसे खतरनाक अंक है वो है दो चार आठ। सबसे ज्यादा यही तकलीफ लेके आते हैं। तो कभी भी आपने अपना मोबाइल नंबर के अंदर दो चार आठ अंक को नहीं लेके आना। अब आप कहते हैं संदीप जी पुराना नंबर हमारा 20 साल से यूज हो रहा है, हम उसको डिस्कार्ड नहीं कर सकते। मैं नहीं कह रहा दोस्तों उसको डिस्कार्ड करो। आपने क्या करना है, उस नंबर को सिर्फ इनकमिंग पे डाल दो आज से ही, और नए नंबर की वाइब्रेशन आज से जोड़ लो अपने साथ। मैं अभी नंबर भी दूंगा आपको। अभिषेक जो है मेरे साथ जुड़ा हुआ है, अभिषेक एयरटेल वोडाफोन के लिए काम करता है। अगर आपको उससे चाहिए तो आप उससे लें, नहीं तो जहां से भी आपको पास में नंबर मिलता है वहां से भी जाके आप ले सकते हैं। पहली शर्त, आपके मोबाइल में दो चार आठ नहीं आएगा। दूसरी शर्त, आपकी लास्ट की जो दो डिजिट हैं वो आपके लिए सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी क्रिएट करती हैं, लास्ट की दो डिजिट, तो वहां पे जो है वो 11155 या 66 आपको लेनी चाहिए। जैसे मेरे लास्ट में आप देखिए 555 मुझे मिल गया। अगर 555 से मैं आगे जाता हूं, 55555 लेता हूं, तो उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है, वो मुझे 5 से लेके 10,000 का नंबर मिलता है। और कुछ लोग ऐसे भी आपको मिलेंगे जिनके लास्ट के 5 डिजिट या 6 डिजिट वो उस नंबर से अटैच होंगे, जैसे कि 1, 5 और 6। आप में से बहुत लोग नरेश सिंगल सर को जानते हैं। नरेश सिंगल सर का जो लास्ट के 6 डिजिट है वो है 55555। ऐसा नंबर जो है 1,25,000 रुपए से शुरू होता है। तो ये मेन चीज है कि पहले आप उसकी फ्रीक्वेंसी को अपने साथ जोड़ें, लास्ट के 55555 या 66 या 11 या फिर 555666 या 111, कोई भी ले सकते हैं आप, जो आपको इजीली अवेलेबल है। तो तीन सिद्धांत इसमें हमने फॉलो करे। सबसे पहले आपका ड्राइवर कंडक्टर से हमने देखा क्या उसका टोटल जो है आपके दुश्मन अंक पे तो नहीं आ रहा, तो टोटल हमेशा 1, 5 और 6 पे आएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, लास्ट में 55555 लेंगे या 66 या 666 लेंगे या लास्ट में 11 या 111 लेंगे, और टोटल जो है वो आपके मित्र अंक पे आ रहा हो। जैसे मेरा जो है वो 6 नंबर मेरा बहुत अच्छा मित्र है और पैसे का नंबर है, इसलिए मैं अपने टोटल जो है वो 6 पे लेके आया। और दोस्तों 2 साल पहले मैंने ये नंबर लिया था, इससे पहले मेरे पास 4 नंबर थे, मैं उन नंबरों से अपना गुजारा कर रहा था, पर वो फ्रीक्वेंसी नहीं मिल पा रही थी। जैसे ही मैंने इस नंबर को जोड़ा तो मुझे उस लड़की ने समझाया था कि सर एक बार आप इसको जोड़ के देखो, आपको लाइफ में फर्क समझ में आ जाएगा। तो मेरे को ये नंबर मिला था उस समय शायद 399 का प्लान, पोस्ट पेड आई है। तो उस समय मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी, मैं 6 महीने इसको यूज करता हूँ, 6 महीने के अंदर मेरे 2400 रुपए गए हैं। अगर मोटा मोटा मुझे 50-60 हजार का भी प्रॉफिट हो गया फ्रॉम दिस नंबर तो मैं खुश हूं उस चीज से। लेकिन बाय गॉड ग्रेस हुआ क्या कि उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी अच्छी मैच की मेरे से कि उसकी जो बिजनेस मेरा बढ़ा वो कम से कम 6-6.5 लाख का मुझे बिजनेस उस साल बढ़ा। और अब तो है मैं इसी नंबर से अपनी सारी आउटगोइंग करता हूँ, सारे के सारे रिजल्ट जो है मुझे यही नंबर दे रहा है। आज आप जो मेरे से बात करने आए हैं, जो इसके अंदर भी मार्केटिंग हुई है, ओनली बिकॉज ऑफ दैट नंबर। तो सबसे पहले दोस्तों इसको देखना है। अब आप कहते हैं कि नहीं सर मैं अभी इस पे इतनी जल्दी कन्वर्जन नहीं लेके आ सकता, तो उसके अलावा 2 छोटे-छोटे टूल हैं जिसको आप यूज करके देख सकते हैं। दोस्तों आज की डेट में आपकी मोबाइल पे नंबर पैड है और उससे ही हम मोबाइल का लॉक लगाते हैं। आप सब
अपना लॉक को चेक करिए। मेरा जो लॉक है वो है 1616। टोटल करके देखिए तो उसका टोटल आता है नंबर 5 पे। बहुत छोटे से ट्रिक आपको समझा रहा हूं कि अगले 21 दिन के लिए, अगले 43 दिन के लिए इस फ्रीक्वेंसी को पहले अपने साथ जोड़ के देखिए। आपका मोबाइल का एक लॉक होता है, अगर आप पैटर्न बनाते हैं तो उसको चेंज करके लॉक पे ले आइए। बहुत इजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है। आप सबसे पहले उसको लॉक पे लाएंगे, अगर वो 4 डिजिट का है तो उसको 1616 कर दीजिए, अगर वो 6 डिजिट का है तो 1616 99, या जो आपको अच्छा लगता है, जरूरी नहीं मेरे कहने पे जाइए, पर उसको टोटल करिए कि वो 5 या 6 या 1 पे आए, जो आपका सबसे बढ़िया मित्र है उसके ऊपर। जैसे 5 और 6 दोनों मेरे सबसे बढ़िया मित्र हैं, तो मेरा एक फोन का जो लॉक है वो है 1616, और एक लोक का मेरा जो कोड है वो है 456999। देखिए नीचे लिखा भी है मैंने, अगर आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है, स्क्रीन पे नीचे लिखा भी है मैंने, या तो आप 4569 को पकड़ सकते हैं या 456999 को पकड़िए, और एक बारी अगले 21 दिन से लेकर 43 दिन तक इसको अपने साथ जोड़ के देखें। दूसरी चीज, आपके पास आपके एटीएम का पासकोड है, आप जब मर्जी चाहे दोस्तों उसको जाके चेंज कर सकते हैं, उसके लिए कोई आपको किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या करें, एटीएम में जाए, अपना पासकोड अभी आप चेक कर लीजिए, वो आपके लिए कहीं ना कहीं पे आपके एनिमी अंक पे आ रहा होगा। जैसे मैंने आपको बताया मेरा 8 और 1 है, और 8 का दुश्मन है 12489, तो मेरा जो पुराना पासवर्ड था वो मैं रखता था 1 के ऊपर, जो कि मेरे लिए सबसे ज्यादा गलत था। 17-11 मैंने रखा हुआ था, वो गलत था मेरे लिए। जब मैंने इस साइज को देखा, सीखा, समझा, जब मैंने उसको चेंज किया, तो वहां से अकाउंट के अंदर पैसे आने स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि सबसे पहले आपका यही पासकोड डलता है उसको ऑथराइज करने के लिए, और बैंक भी आपको सबसे पहले वो पासकोड भेजता है। तो इसको भी आप अगले 21 दिन 43 दिन के लिए यूज करके देखें, और आपको लाइफ में वो फर्क समझ में आ जाएगा कि कैसे उसकी फ्रीक्वेंसी आपसे जुड़ चुकी है। मेन चीज यही है कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यूनिक है। अब बहुत लोग मुझसे पूछते हैं आके कि सर एक बात बताइए, हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 है, एक तो है ओरिजिनल वाली और एक है जो हमारे फादर ने या हमारी मदर ने हमारे को स्कूल में दी थी हमारे सब सर्टिफिकेट्स पे। तो दोस्तों, सर्टिफिकेट्स वाली डेट ऑफ बर्थ का कोई भी लिंक नहीं लेना है, जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल रहेगा, उसी से आपने मेन काम चलाना है। कभी भी आप फेक डेट ऑफ बर्थ के ऊपर से सुझाव नहीं लेंगे, क्योंकि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यूनिक है, उसी से ही आपको सारा का सारा सोल्यूशन मिलेगा। सो दोस्तों, सबसे पहली चीज आप फिर दोबारा चेक कर लें, सबसे पहले तो अपना एटीएम पासकोड चेंज करें, उसको कोशिश ये करें कि 1, 5, 6 पे लेके आए, 5 पे किसी का कोई दुश्मन नहीं है, उसको यूनिवर्सली आप यूज कर सकते हैं। दूसरा, आपका मोबाइल का जो पासकोड है उसको आप चेंज करें, और अगले 21 दिन से 43 दिन में उसकी फ्रीक्वेंसी अपने साथ जोड़ के देखें। और लास्ट में जिस चैप्टर के लिए हम आए थे उसकी मेन चीजें कि आपको मोबाइल में 2, 4, 8 को अवॉइड करना है, लिख लीजिए, कभी भी आपके मोबाइल में 248 नहीं आएगा। और लास्ट में आप चाहे तो 555555, 666666, 111111 ले सकते हैं, और टोटल जो है वो हमेशा आपके मित्र अंक पे आएगा, यानी कि 1, 5 और 6। और मेरा ड्राइवर 8 है, कंडक्टर 1 है, तो मेरा मोबाइल टोटल कभी भी 1 पे नहीं जाएगा, क्योंकि 8 का सबसे बड़ा दुश्मन है नंबर 1। जी दोस्तों, सर आप रिकॉर्डिंग शेयर करने वाले हो? मैम यूट्यूब पे आएगी, ओपन होगी यूट्यूब पे। ओके, क्योंकि ना मेरा शुरू का जो पार्ट था वो मिस कोई गया, ड्राइवर कंडक्टर संदीप बजाज, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे भी डबल डी तो आपको मिल जाएगा, वहीं पे ये भी हम डाल देंगे 1 घंटे के अंदर। ओके सर, थैंक यू जी। तो मैं चाहूंगा सबसे पहले बुलाना अपने छोटे भाई को मिस्टर रजत, वो एक बारी आए और बताएं कैसे मोबाइल न्यूमरोलॉजी से उन्होंने अपनी लाइफ की डेस्टिनी को चेंज किया है। रजत, आप है हमारे साथ? रजत प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को। सर मेरी एक क्वेरी थी। जी अश्विनी जी,
सर जैसे कि आपने बोला कि मान लीजिए कंडक्टर नंबर और ड्राइवर नंबर दोनों के ही टैली करना पड़ेगा, मेरे भाई दोनों को ही टैली करना पड़ेगा, जैसे मेरा ड्राइवर 8 है कंडक्टर 1 है, दोनों को टैली करना पड़ेगा। ओके, अगर मान लीजिए एक का मित्र होगा दूसरे का शत्रु होगा तो जो कॉमन नंबर होगा वो उसको निकालना, और कॉमन नंबर सबसे बढ़िया 5 नंबर है हर एक के लिए। जी 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 बिल्कुल, जो भी धरती पे पैदा हुआ है 5 नंबर सबसे 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 इम्पोर्टेंट नंबर है हर एक के लिए। ठीक है सर जी, थैंक यू। मैं चाहूंगा कि आप सूर्या बेटा आए, सूर्या हमारे साथ जुड़ी हुई है फॉर द लास्ट 6 मंथ्स और सूर्या ने लाइफ में बहुत बहुत अचीवमेंट करके दिखाया है। जय गुरुजी बेटा, जय गुरुजी, जय गुरुजी सर, जय गुरुजी, इट्स अ ब्लेसिंग टू सी यू अगेन। थैंक्स अ लॉट बेटा, थैंक्स अ लॉट। थोड़ा बताओ इन सबको कि कैसे आपने मोबाइल नंबर जी चेंज करके अपनी लाइफ में अपनी डेस्टिनी चेंज करी है। सर बिल्कुल, मैंने संदीप सर को 6 महीने पहले ही ज्वाइन किया था, उससे पहले लॉकडाउन की वजह से मेरी जॉब जा चुकी थी, मुझे नहीं पता था कि क्या सोर्स ऑफ इनकम होगा क्या नहीं होगा, बट सर को ज्वाइन करने के बाद, मोबाइल नंबर्स को देखने के बाद, उसके पासपोर्ट्स को, सर ये बिल्कुल अजमाई हुई बात है, आई हैव अ मोबाइल नंबर जिसको मैं बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ, मैं उसको चेंज नहीं करती, उसका टोटल 1 पे आता है एंड 1 इज लकी फॉर मी। ठीक है, जैसे कि मैंने सर से न्यूमरोलॉजी भी सीखी है और सर इज अ बेस्ट मेंटर, मतलब आप इनसे अच्छे मेंटर नहीं हो सकते सर से, तो सर मैंने उसका पासपोर्ट अभी 3 या 4 महीने पहले ही चेंज किया और उसका पासपोर्ट मैं 6 पे लेके आई, लाइक 3003 मैंने उसका पासपोर्ट रखा काफी अपने मोबाइल के एप्स वगैरह में, मोबाइल के सर काफी जो बैंक के एप्स है उसका मैंने पासपोर्ट रख दिया 3003, इवन की पेटीएम का पासपोर्ट भी रख दिया 3003, और सर 2-3-4 महीने में लक्ष्मी जी की कृपा होने लग गई है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि आपकी शिद्दत थी बेटा कि आपने उसको फॉलो किया दिल से। बिल्कुल सर, सारी बात यही है, मैं भूलती नहीं हूँ, जो करना है वो करना है सुबह उठ के सबसे पहले, वो मेन चीज है। तो सारी कहानी इसी चीज के ऊपर आती है कि पहले आप इसको यूज करके देखें, और सूर्य 6 महीने से इसका रिजल्ट दे रही है, और जैसे उसने बताया कि लॉकडाउन था उसे पता नहीं था कि इनकम कैसे जनरेट होगी, और थैंक्स टू हिज स्टार्स, हर स्टार्स, कि कैसे भगवान ने उसको ब्लेसिंग्स दी है। आप बेटा वो लिख रहे हो कुआ नंबर और अंजन नंबर अपना हाथ पे? यस सर। देखिए देखिए, ये है वो शिद्दत जो वो फॉलो कर रही है, और कैसे कैसे इन लोगों को रिजल्ट मिले हैं आप इसको बिलीव नहीं कर सकते, वो मेन चीज है। हेलो सर, सिर्फ आपकी वजह से है सर सब कुछ, मतलब मैं जितना आपका ध्यान कर सकूं ना सर उतना कम है, सब मतलब आपकी मेरे लिए तो आप एक फादर फिगर है, मतलब जितना मेरा पापा मेरे सपोर्ट करते हैं उतना ही आपने मुझे सपोर्ट किया है। बिल्कुल बेटा, डेफिनेटली, ऑलवेज, एनी टाइम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच जी। सर आपने जो फीमेल नंबर बताया था 4, उसको प्लस करने का है या माइनस करने का है? नहीं मैम, दोबारा बताइए, आपने जो फीमेल नंबर 4 को प्लस करने का है या माइनस करने का है? 4 को प्लस कर रहा है, फीमेल के लिए 4 प्लस रिमाइंडर और मेल के लिए 11 माइनस रिमाइंडर। ओके, थैंक यू सर, वेलकम वेलकम। अब मैं चाहूंगा मिस्टर रजत को बुलाना, रजत जो है वो बिल्कुल मेरे छोटे भाई की तरह है और काफी टाइम से मेरे साथ एसोसिएटेड है, और उसकी भी फ्रीक्वेंसी चेंज हुई मेरे से जुड़ने के बाद, कैसे उनको रिजल्ट मिला मैं चाहता हूं वो एक बार ही बताएं। जय गुरुजी रजत भाई। जय गुरुजी सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून दिया, क्या हाल चाल सर? बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया। बात सुनिए, बहुत अच्छा होगा, काफी लोग सुन रहे हैं मुझे, और हमेशा बंदे जो हैं वो कहीं इधर से पढ़ते हैं कहीं उधर से पढ़ते हैं, और पूरी तरह से न्यूमरोलॉजी की नॉलेज नहीं आ पाती, जो मुझे लगता है जो मेरे साथ हुआ था। कहीं जगह से पढ़ रहा था, इंटरेस्ट बहुत ज्यादा था इसके ऊपर, और मैं सोचता हूँ कि किसी भी चीज को जब तक आप उस पर विश्वास नहीं रखेंगे वो काम नहीं करेगी। अब तो ये प्रूव हो चुका है, एफर्मेशंस और ये सब, इसी तरह से बिल्कुल न्यूमरोलॉजी है, अगर उस पर विश्वास होगा तो वो काम करेगी, और अगर विश्वास नहीं होगा तो वो किसी के लिए भी काम, मतलब आपके लिए तो बिल्कुल काम नहीं करेगी, वो मुझे ये लगता है। तो मेरा विश्वास जगा, मैंने सर को कहीं से खोजा और मुझे ये हीरा मिला, और मैं इनके पीछे पड़ गया कि मुझे तो अब सीखना ही सीखना है। और मैं आपको बताऊं, सर का कोर्स चलता है, हमारे टाइम पे 10 दिन का था, अब सर ने 12 दिन का कर दिया है, और ये कब 14 दिन का हो जाता है पता भी नहीं चलता। हो गया 14 दिन का हो गया, क्योंकि एक एक डिटेल, एक एक क्वेश्चंस, फिर सर प्रैक्टिस भी करवाते हैं, फिर लोग सर कहते हैं कि बार बार आप उस पे भेजो, और हाँ होमवर्क भी मिलता है प्रॉपर कि आपको ये बना के ग्रुप में भेजना है, तो इट इज नॉट इजी, बट यू हैव टू गिव लॉट ऑफ टाइम। It is very easy, but then you have to give lot of time also to do any, to learn anything actually. तो वही चीज़ numerology के साथ भी है, और मेरे ख्याल से अगर अभी भी कोई सोच रहा है
कि उसे ज्वाइन करना है नहीं करना है. तो आई थिंक विद दिस लेक्चर यू विल बी नाउ एबल टू अंडरस्टैंड दैट हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज. पर्टिकुलरली मेरे लिए इसने क्या काम किया, आई एम रनिंग, आई लेफ्ट माई जॉब ड्यू टू सर्टेन रीजन कोविड से पहले. अब कोविड के बाद इट वॉज अ सिचुएशन लाइक दैट दैट आई नीड टू अर्न समथिंग. तो न्यूम्रोलॉजी हेल्प मी इन क्रिएटिंग माई यूट्यूब चैनल्स. मैंने काफी सारे यूट्यूब चैनल बनाए और वो उनके नाम चेंज करने पर वो मोनेटाइज हो गए. मैंने मोबाइल न्यूम्रोलॉजी के वजह से चेंज किया. मैंने खुद अपने एयरटेल ही था मेरे पास, एयरटेल पे नया प्लान था कि यू कैन हैव मल्टीपल नंबर्स ऑन द सेम अमाउंट. तो मैंने एक नया नंबर चूज किया एंड यू नो दिस 555 इज फ्री इफ एनीबॉडी इज इन एयरटेल. तो वो फ्री भी अवेलेबल है 555. ऐसा कुछ नहीं है कि यू नीड टू पे इट. तो कोई मार्केटिंग नहीं हो रही है यहाँ पर. इट इज जस्ट दैट इससे फ्रीक्वेंसी आती है तो वी यूज. और मैंने ये 555 वाला नंबर एब्सोल्युटली फ्री लिया था और मुझे लगता है कि मेरे को यहाँ पे शेयर करना चाहिए ये वाली चीज. इट इज नॉट अ मार्केटिंग. तो आई थिंक थैंक यू सो मच सर फॉर हेल्पिंग इन एवरी रिस्पेक्ट. और मेरे ख्याल से जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनको ये चीज समझ आएगी कि कितने दिल से मैं इस चीज को बोल रहा हूँ. थैंक यू डियर. थैंक्स अ लॉट. आप मेरे साथ हैं, मेरे छोटे जानकार समझदार मेरे भाई मर्दन भाई जो कि सूरत से हैं. मर्दन भाई आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए हमारे साथ. आप बताइए कितना बेनिफिट पहुंचा है आपको इस छोटे से टाइम के अंदर. गुरुजी नमस्ते. नमस्कार मर्दन भाई. मैं सबको कहना चाहता हूँ कि अभी मैंने रिसेंटली सर का न्यूमरोलॉजी वाली बैच में अटेंड किया था. जो सर ने बोली 5 दिन की थी वो 15 दिन हो गए थे और इतना बढ़िया एक्सपीरियंस रहा कि ओपनिंग से लेके क्लोजिंग तक सब कुछ डिटेलिंग में सर ने समझाया सब कुछ और इतने अच्छी तरह समझाया कि अभी तो मैं काम कर रहा था. समझो कि हमारे यहाँ अहमदाबाद से मैं हूँ सर, सूरत से नहीं अहमदाबाद से हूँ. अहमदाबाद से यस सर. तो मैं खाली अहमदाबाद के अंदर और गुजरात के अंदर काम करता था लेकिन आपके ऐसे ब्लेसिंग मिले सर कि अभी मैंने यूएसए के क्लाइंट का भी काम किया. क्या बात है. यस सर और थैंक यू वेरी मच सर. और आपने जैसी तरह समझाया पूरा ऐसी तरह काम किया और उनको रिजल्ट भी मिल गया. क्या बात. ये गुरुजी की ब्लेसिंग है. यस यस सर बिल्कुल सर. इसके लिए सर बहुत अच्छा रहा सर जी. सर मेरे को एक बात पूछनी है. जी मैम बताइए. सर जैसे कि मेरे बेटे का तारीख था कि 5 है उसका, मतलब 8/5/1997 का है. तो 5 तो मिडिल पॉइंट हो गया आपने बताया. तो इसका जैसे ड्राइवर नंबर 8 है और कंडक्टर नंबर 3 है. हाँ इनको अपना मोबाइल नंबर जो है वो टोटल 1 पे लेना चाहिए. इनका 6 जो है वो दुश्मन है. लास्ट में 666666 ले सकते हैं पर टोटल जो आएगा वो 6 पे कभी नहीं आएगा. अच्छा इसका 1 आना चाहिए मतलब. हाँ जी मैम 1 आना चाहिए. तो जैसे इसका फोन नंबर है 7056705400. जी कितने पे आ रहा है ये अभी मैंने करा नहीं. मैं कर लूँ वो करके देखिए आप तभी बात को समझ में आ पाएगी ना. ठीक है सर. जैसे कि मैंने आपसे क्लासेस करनी है तो क्या सिस्टम होगा इसका मेरे को. इसी नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा थोड़ी देर के बाद आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी. 1 अक्टूबर से क्लास स्टार्ट हो रही है और उसके अंदर जो है हम 15 दिन का कोर्स होगा. संडे क्लास नहीं होती है हमारी. अच्छा उसके अंदर उसकी फीस है 6666 जो कि मैं लास्ट टाइम लेने जा रहा हूँ 6666. अब जो फीस है उसके बाद नवंबर में अच्छा वो हो जाएगी 1 2 3 4 5. अच्छा जी सर. ये लास्ट टाइम है. जो लोग अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये लास्ट मौका है आपके लिए. 6666 पे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं. इसका 7 आ रहा है सर. 7 आ रहा है तो मैम वो अपॉर्चुनिटीज नहीं लेके आएगा. उसको आप टोटल 1 लेके आइए और इस नंबर को बिटिया कहिए अपने इनकमिंग में रखें. इनकमिंग में रखें मतलब इसका मतलब लास्ट वन आना चाहिए. हां जी ठीक है सर. मैं कंफ्यूज बैठे. जी मैम बाकी मेरा फोन नंबर आपके पास है आप उसमें डिटेल ले सकती हैं. ठीक है सर. जी रूपन जी सर मेरा नंबर है उसमें टोटल आ रहा है 66. हां आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है रूपन जी. 17/4/1975. 17/2/4/4/1975. ठीक है. तो आपका ड्राइवर 8 है. कंडक्टर कितना आपका. 7. हाँ तो आपको क्या करना है आपको टोटल लेना है 6. लास्ट में 555 करे जैसे मैंने कर रखा है टोटल 6 लेने. मतलब 66 का 3 आया. 66 का भी 3 आया. वो 3 उतना सपोर्टिव नहीं है. वो आपको पैसे नहीं देगा. तो आप इसको इनकमिंग पे रखना है. एक नया नंबर आप लेंगे जिसके लास्ट में 555 आएगा और टोटल 6 पे आएगा.
टोटल सिक्स yes, मतलब पूरा फोन का नंबर सिक्स आना चाहिए, पूरे फोन का नंबर सिक्स आना चाहिए, लास्ट में 555 चाहिए और उसमें 248 नहीं आएगा। ओके जी जी, एक मिनट ये, थैंक यू सर। जी मोनिका जी, मेरे डेट ऑफ बर्थ है 18 February 1961। ठीक है, ड्राइवर जी का 9 आ गया और कंडक्टर 1। हेलो, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसके लिए मेरे को मोबाइल नंबर का कौन सा नंबर लेना पड़ेगा? के लिए आपके लिए सबसे बढ़िया बात है कि आप इसके अंदर मोबाइल नंबर लीजिए जो लास्ट में 555 आए और टोटल अपना 6 पे ले जाइए, या लास्ट में 666 लेके आइए और टोटल 5 पे ले जाइए, दोनों आपके लिए बहुत बहुत सपोर्टिव। ओके और जो हमारा एटीएम का कोड और वो तो मैडम आपको ही चेंज करना पड़ेगा, आपको अपना एटीएम कोड एक 5 पे और दूसरा 6 पे लेके जाइए। टोटल मतलब 5 टोटल, जैसे मैंने बताया ना 4568, बताइए कितना हुआ 4568, कितना हुआ? फाइव हो गया। तो 23 के 5 पर है। जी जी जी, तो अगर आप इसको करते हैं 4569 ये 6 पे आ जाएगा, 4569 करते हैं। प्लीज आप म्यूट कर लीजिए, बाकी सब लोगों को परेशानी हो रही है, जिसका क्वेरी होगा जो अपना हाथ खड़ा करेगा मैं सबको आपका मौका दूंगा। अभी आप रुकिए, सबको नंबर आ रहा है। तो मोनिका जी वो आपकी चॉइस रहेगी, आप वो कैसे उसके ऊपर लेके जाना है। ठीक है जी, ये मतलब एटीएम के लिए भी हो जाएगा और बिल्कुल वो आप एटीएम और अपना मोबाइल तो आप जब मर्जी चाहे चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, नहीं जी, दिनेश जी बोलिए, दिनेश जी बोलिए, अनम्यूट करें दिनेश जी। यस सर, मैंने थोड़ा लेट सेमिनार अटेंड किया, मेरा नेटवर्क नहीं चल रहा था। जी जी जी, थोड़ा आप हेल्प कर सकते हैं, मैं आपको बर्थ डेट दूं या मोबाइल नंबर बताओ सर? आप बता सकते हैं, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए, उसका पूर्णांक और भाग्यांक निकालना आता है आपको? 25/7 ड्राइवर का नंबर निकालिए पहले आप अपना। मैंने निकाला सर, दोनों 7 आ रहा है, दोनों 7 आ रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपको एक नया मोबाइल नंबर लेना है जो आपके लिए सबसे सपोर्टिव है, नंबर 5। आपकी डेट ऑफ बर्थ 5 आ रहा है? नंबर नहीं सर, नहीं है ना। तो आपने क्या करना है, 555 लास्ट में ले टोटल 6 पे कर ले, या 666 लास्ट में ले टोटल 5 पे कर ले, ये चॉइस आपकी रहेगी। मेरा सर 4 आ रहा है, 4 मैंने जो नंबर गलत है, गलत है, गलत है, 4 मैंने बताया ना, 248 हमेशा लाइफ में स्ट्रगल देते हैं। सर आपने अभी एक केतु के बारे में बताया था कि 7 नंबर होता है जी, वो मतलब न्यूट्रल, वो ऐसा है कि वो ज्यादा किसी के ऊपर फेथ करता है, जैसे कि मेरे हस्बैंड ने बहुत पार्टनरशिप में काम किया है, वाकई 101% आपने ठीक बताया, ये लॉस में जा रहे हैं 101%, मतलब मैं इसको कह सकती हूँ कि आप बिना कहे देखे आपको मैं बोल सकती हूँ कि वाकई यू आर ट्रू। बिल्कुल मैम, अंको वो लॉस में जा रहे हैं। जी मैम, अंको अखिल बहुत जबरदस्त है मैम, हमें यही देखना है कि आज तक नहीं समझ आया कि ये अपने घर वालों को क्यों नहीं फेथ में लेते अपने, जैसे कि 7 जो है ना, मेन बात क्या है, 7 जो है कंफ्यूजन का नंबर है, इनको धोखा हाँ। अपने लोगों से मिलता है, अपने क्या है से तो नहीं रहा ना, नहीं नहीं उनसे, उनकी वाइब्रेशन जो है उनसे मैच नहीं हो पाती, ये हर एक को अपना मानते हैं और वही इनको धोखा मिलता है। बात धोखा सिर्फ ये नहीं है, ऐसे लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम भी होती है, बहुत है हाँ, गले से लेके पेट तक आप देख लेना इसको, आदमी है और आप यकीन नहीं मानोगे, वो मेरे को कहते कि तू फिट एंड फाइन है जी, हमारे आपस में यहाँ हो जाती है कि तू फिट एंड फाइन है, और हमारा दोनों का बस जन्म तारीख ये है कि उनका 7 तारीख है, मेरा 21 तारीख का है। जी जी जी, मेरा जुपिटर का होता है जी, ठीक है ना। अच्छा, अच्छा स्पोर्ट है आप दोनों के लिए, लेकिन जब आप कोर्स पूरा करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे रिलेशनशिप को और आगे बढ़ाना है, वो मेन चीज है। वो दूसरी बात, इनका फोन नंबर, जैसे कि इनका ड्राइवर नंबर 7 है, कंडक्टर नंबर 2 है जी जी, और इनका मोबाइल नंबर 1 आता है पूरा टोटल करने के बाद, ठीक है इनके लिए। हाँ हाँ ठीक है, क्या उसमें 248 आता है मैम? हाँ जी, नहीं 248 नहीं आता, सिर्फ 8 आता है, 9416551168। कोई नहीं, अगर सिंगल 8 आ रहा तो चला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो स्पोर्टी बैंक के लिए एक ही आ रहा है, एक ही आ रहा है, चलेगा चलेगा जी। गौतम भाई, गौतम जी हेलो, जय गुरु जी सर, जय गुरु जी। गौतम भाई सर, मेरा ड्राइवर कंडक्टर दोनों ही 2 है। वेरी गुड, तो सर मेरे को मोबाइल नंबर का टोटल 6 पे नहीं लाना चाहिए? बेटा ला सकता है, उसको लास्ट में 666 कर ले, टोटल 5 पे ले। अच्छा टोटल 5 है सर, टोटल 5 पे ले।
सर और एक और क्वेरी थी आपका सर, ड्राइवर कंडक्टर 8 और 1 है जी बेटा, तो सर आपने पास कोड 4599 क्यों कहा, क्योंकि 8 का तो एनिमी होता है ना सर 4। टोटल को देखना है ना, टोटल किस पे लेके आना है। अच्छा सर, मैंने कहा है 4568 जबकि मेरा जो पास कोड है वो है 1616। अच्छा सर, ओके जी, मैंने ये बताया कि मेरा जो पास कोड है वो है 1616। सर तो एनिमी नंबर अंदर आ सकते हैं पास कोड के? हाँ हाँ बिल्कुल आ सकते, कोई नंबर तो चूज करना पड़ेगा ना। हाँ जी सर, मैंने तो आपके लिए बताया है 4568 एक अच्छा पास कोड है, उसमें क्या है उसके अंदर एक बहुत बड़ा लक फैक्टर होता है, अगर आप कोर्स करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 4 5 6 लाइफ में बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है, अगर वो आपके साथ जुड़ जाती है तो आपकी डेस्टिनी ही चेंज हो जाएगी, उसके साथ एक शनि का अंक अगर और जोड़ दिया तो वो 5 के अंक पे ले आता है, जैसे शाहरुख खान अपनी हर गाड़ी जो है वो 555 लेता है, अब 555 नंबर जो है वो शुरू होता है 1.25 लाख से लेके 5 लाख तक, तो उसका मैंने तोड़ बनाया 8555। आप चाहो तो अपनी गाड़ी 26,000 रुपए में बुक करवा सकते हो, वो नंबर प्लेट की कॉस्टिंग अलग होती है, तो 8555 भी उतनी ही फ्रीक्वेंसी देगी जितना शाहरुख खान को 0555 दे रहा है, वो मेन चीज है। जी डी जी लक्ष्मण दास जी, हाँ सर, मेरा जो मोबाइल नंबर आता है 53 के 8 पे आता है, मेरा ड्राइवर कंडक्टर 44। ठीक है, तो मेरे को भी 5 पे रखना पड़ेगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, बिना सोचे समझे। अच्छा, आपका ड्राइवर 4 है, कंडक्टर 4 है, आपकी लाइफ में स्ट्रगल 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 और सिर्फ स्ट्रगल है, बताइए हाँ कि ना? बिल्कुल ठीक है सर जी, कुछ लाइफ में स्ट्रगल कम करने के लिए दोस्त को घर पे लाओगे या दुश्मन को घर पे लाओगे? सर दोस्त ही लाएंगे बस। सर अभी दुश्मन लेके आए हुए हो आप, 4 का सबसे बड़ा दुश्मन है 8। 8 है जी, हाँ जी। तो अब प्रॉब्लम क्या आती है कि आप दुश्मन को रोज चाय पिला रहे हो, बिस्कुट खिला रहे हो, खाना खिला रहे हो। सही बात है, दुश्मन तो भाई तकलीफ देगा ना। बिल्कुल, एक बारी मोबाइल नंबर चेंज करो मेरे कहने पे और उसको यूज करके देखिए कैसे आपकी लाइफ में सक्सेस स्टोरी आ जाती है। आज ही कर दूंगा सर। बिल्कुल सर जी, सर मेरा भी बता दो सर। जी सूर्य जी, जी सूर्य जी, मैं कह रही हूँ आपकी डेमो क्लास में से भी कुछ नया सीखने को मिलता है हमेशा। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। और सर पीछे का बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। सॉरी, पीछे का बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। चलो गुरुजी, सब आंटी ने चेंज करवाया तेरे कहने पे। अच्छा सर, मैं सर मेरा एक क्वेरी थी। जी अश्विनी जी। सर मेरा जो ड्राइवर कंडक्टर नंबर वो 7 है, ड्राइवर नंबर जो 9 है, तो मुझे अपना मोबाइल फोन किस नंबर पर लाना चाहिए? सर आपका ड्राइवर 7 है, कंडक्टर 9 है जी। आप सबसे पहले आप अपने मोबाइल नंबर का जो है वो लास्ट के 3 डिजिट या तो 666 या 111 करो और टोटल हमेशा 5 पे लेके आओ, 5 नंबर। सर मेरा भी बता दीजिए। जी राघव जी बोलिए। सर मेरा 5 और 8 का कॉम्बिनेशन है, सर मैं किस पे नंबर लूं? सिर्फ 6 पे बेटा, आपकी नेम की स्पेलिंग भी 6 पे है, आपको मोबाइल नंबर भी 6 लेना है। सर मोबाइल नंबर भी 6 लेना है? जी बेटा। तो जैसे मेरी मदर है उनका भी 53 के 8 13 और उनका ड्राइवर कंडक्टर 6 और 6 3 का कॉम्बिनेशन है, वो गलत है? ये गलत है, 8 तो मैं बताया तो है, 2 4 8 तो बेटा लाना ही नहीं है ना। अच्छा अच्छा, सबसे ज्यादा लाइफ में तकलीफ के अंक ही यही है, 2 नंबर 4 नंबर और 8 नंबर, जितना इनके साथ जुड़ के रहोगे उतना लाइफ में परेशानी आएंगी, इनको जितना दूर रखेंगे उतना बढ़िया। एक कहानी थी, लक्ष्मी आती हुई अच्छी लगती है, शनि भगवान जाते हुए अच्छे लगते हैं, तो भाई उनको बाय बाय करो बस। 53 हेलो जी मैम। हाँ जी सर। सर ड्राइवर 3 है और कंडक्टर 2 है। ड्राइवर 3 कंडक्टर 2। यस मैम, सबसे बड़ा दुश्मन आपका नंबर 6 है, आपका टोटल कभी भी 6 पे नहीं आएगा, लास्ट में 111 ले और टोटल 5 पे लेके आए। टोटल 5 पे और लास्ट में 111। हेलो जी धवल जी। हेलो जी सर। सर मेरा ड्राइवर नंबर 3 और कंडक्टर 8 है जी, और मेरा मोबाइल नंबर टोटल 1 आता है सर। गलत है एकदम धवल जी, जो मैं एग्जांपल दे रहा था वो यही एग्जांपल दे रहा था, अगर आपका ड्राइवर 3 कंडक्टर 8 है तो कभी भी आपका जो मोबाइल नंबर है वो कभी 1 और 6 पे नहीं आएगा जी सर। और मेरे मोबाइल में जैसे आपने बताया 248 का, तो 3 बार 8 आ रहा है, 1 बार 2 और 1 बार 4। बस धवल भाई, तभी आपकी ग्रोथ रुकी हुई है, आप इसको सबसे पहले मोबाइल नंबर अपना चेंज करें, उसको 5 5 5 और सिर्फ 5 को लेते हैं, लास्ट में 555 या 666 ले सकते हैं, बट कोशिश ये करें कि वो भी 555 हो जाए और साथ में टोटल जो है वो 5 पे आ जाए। जी जी सर। हेलो 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 जी सर, मेरा ड्राइवर नंबर 8 है और कंडक्टर नंबर 1 है, और मेरा फोन नंबर जो है वो
तीन, तो क्या ये सही है? तीन फिर भी पॉजिटिव है मैम, पर वो ग्रोथ नहीं देगा, आपको और एजुकेशन की तरफ लेके जाएगा, आपको और ज्ञानी बनाएगा। अगर आपको लाइफ में पैसे की प्रॉब्लम है तो आपको उसको टोटल जो है सिक्स पे लेके जाइए और जो लास्ट में है ट्रिपल फाइव करिए। हेलो सर, जी रघु जी, और अगर ड्राइवर नंबर, सर ड्राइवर नंबर एक है और कंडक्टर नंबर छह है, दोबारा बोलिए तुम क्या है? बेस्ट है जी, अगर ड्राइवर नंबर वन है और कंडक्टर नंबर छह है तो बेस्ट। सीधा फाइव पे, सीधा फाइव पे, सीधा फाइव पे, कोई बीच में रुकना ही नहीं है, सीधा फाइव पे टोटल आएगा लास्ट में, ट्रिपल फाइव और टोटल भी फाइव। Sir, driver number is 1 and conductor number is 8. So, okay. phone number is coming as total 9. Okay. So, it is very wrong, Raghuji. You need to change it. You have to change okay. your mobile number. Last mein 555 ya 666 hoga aur total 5 ya 6 pe aayega. Agar 666 hai, total 5 pe aayega. Agar 5 hai, toh total 6 pe nikal jayenge. Sir, one more doubt. अगर मल्टीपल सिक्स आए तो अच्छा है सर, सिक्स 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 कुछ लोग बोलते हैं कि अच्छा नहीं है सर। देखिए दो टाइम या थ्री टाइम आने में कोई दिक्कत नहीं है, और उसकी फ्रीक्वेंसी से ज्यादा बढ़ेगी तो वो थोड़ा डेफिसिट ले जाएगा, वो मेन चीज है। पर सिक्स नंबर जो है बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर है, अगर आप उसको लाइफ में लेके आते हो तो वो लाइफ में आपको बहुत सारी सक्सेस स्टोरी देगा एज पर यूर डेट ऑफ बर्थ, बिकॉज यूर ड्राइवर इज वन, यूर कंडक्टर इज एट, एंड बोथ आर फ्रेंड्स ऑफ नंबर सिक्स, दैट्स व्हाई। ओके, हेलो सर। हेलो सर, मेरी ड्राइवर एट नंबर है और कंडक्टर टू है, और मोबाइल नंबर में आप जैसे बोल रहे कि 248 नहीं आना चाहिए, तो जैसे मेरे फोन नंबर की टोटल 2 बन रही है और मेरा मोबाइल नंबर 90280-84007 है जी, तो गलत है मैम, गलत है, टोटल 2 पे आ रहा है, गलत है। सबसे पहले उसको टोटल जो है 5 पे लेके जाइए या 1 पे लेके जाइए, लास्ट में ट्रिपल शिफ्ट कर सकते हैं, पर टोटल जो है सिर्फ 1 और 5 पे जाएगा आपके लिए। तो क्या इसकी वजह से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं क्या आपके हिसाब से? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आज की डेट में मैम 24 घंटे मोबाइल फोन हमारे साथ होता है, हर चीज वो अट्रैक्ट करता है, तो वो जितना अनलकी नंबर होगा उतनी आपकी लाइफ में सक्सेस स्टोरी कम आएगी। आप इसको यूज करिए, सीखिए, अक्टूबर आ रहा है, 6 मंथ्स इसको यूज करके देखिए, यू विल गिव अ टेस्टिमोनियल इन कमिंग 3 मंथ्स योर सन। हेलो हेलो सर, हेलो, मेरा ड्राइवर आ रहा 2 और कंडक्टर 8 आ रहा है जी, तो फिर इसका मोबाइल नंबर? मैम मोबाइल नंबर हमेशा आपका 5 और 6 पे ही जा सकता है, आप लास्ट में 555 लें टोटल 6 पे लें, या लास्ट में 666 लें टोटल 5 पे लें। हेलो, हेलो, नहीं कभी 1 नहीं रखना, 1 आपका दुश्मन है। हेलो सर, वो मैंने मदर का पूछा था, तो सर मैं लास्ट में कौन सा नंबर लूं? मैं लास्ट में मदर की डेट ऑफ बर्थ क्या है? 66 है ना? हां 63 63, तो लास्ट में 111 टोटल 5 के लिए, ट्रिपल हाँ टोटल फाइव पे। हेलो 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 जी, अनिता हेलो, हेलो हाँ जी राहुल जी बोलिए। सर मेरा जो ड्राइवर नंबर है 3 है और कंडक्टर नंबर 9 है जी जी, आपका टोटल कभी 6 पे नहीं आएगा, 6 पे नहीं आएगा सर। मेरा मेरे को ये पूछना था, मेरा कंडक्टर नंबर जो है मतलब 3 बार 9 है तो उससे क्या इफेक्ट होगा? उससे बेटा जब आप कोर्स करोगे तभी आपको इफेक्ट समझ में आएगा, ये प्लेटफॉर्म उसके लिए नहीं है, क्या समझ में उस पे आना है। आपका नंबर 6 है, आपको 6 नंबर नहीं लेना है, आपके मोबाइल में 6 आ सकता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, पर आपका टोटल जो है वो 1 या 5 पे आए। मेरा कुआ जी, श्रेया जी। हेलो सर, मेरा ड्राइवर नंबर 3 है एंड कंडक्टर नंबर 5 है एंड मोबाइल का टोटल इज कमिंग 2-3। Coming to 3 is good but not excellent. You okay. must change your mobile number that have a frequency of last mein 111 or 555 or total okay. jo hai wo 5 ya 1 pe le jaiye. Okay. Hello sir. Sir, mera naam Piyush hai. Ji Piyush ji. Sir, mujhe driver aur conductor ka thoda wo samajh mein nahi aaya tha. Main mera problem chal raha tha to dhyan nahi aaya. Likhiye mera date of birth, likhiye Piyush ji. 17 November 1971 mera date of birth likhiye aap. Haan. 17 को एड अप किया तो कितना आया? 8। तो मेरा ड्राइवर है 8। ओके, और 17 नवंबर 1971 को टोटल करिए कितना आया? अरे वो तो कितना आता है, आई थिंक वो भी 8 आ रहा है, कितना आ रहा है मैंने देखा नहीं सर। 28 का 1 आएगा। ओके, 28 का 1 आएगा। ओके, मेरा ड्राइवर 8 है, कंडक्टर 1 है। 1 है तो सर मेरा 20/2/1973 है। हां, तो 20 नंबर मेरा ड्राइवर हुआ और कंडक्टर दो नंबर, कभी 20 नंबर हुआ होगा हमेशा, सिंगल डिजिट। हाँ,
तो मेरा टोटल से दो 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 टोटल दो आ रहा है और मेरा मोबाइल नंबर भी 20 ही आ रहा है। गलत है ना, आपने मोबाइल नंबर को 5 पे लेके जाओ तभी लाइफ में सक्सेस स्टोरी बनना स्टार्ट होगा। ओके सर, क्योंकि मुझे टोटल वापस ये नया मोबाइल चेंज करना पड़ेगा। ये लास्ट में 111 लो या 555 लो और टोटल जो है 5 पे लो। ओके सर जी, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर। मेरा सर जी, अनिता जी। हाँ सर, मेरा मोबाइल नंबर 9435503715 है। ठीक है, मेरा ड्राइवर नंबर 6 है और मेरा कंडक्टर नंबर 8 है। तो मैंने अभी मोबाइल का टोटल निकाला है, मेरा टोटल आया है टोटल आया 6 पे आया मेरा मोबाइल का टोटल नंबर। ठीक है मैम, ठीक है, पर उसमें क्या 248 आ रहा है? जी सर, उसमें 248 आ रहा है मैम नंबर में। हाँ ना, नंबर में मेरा 248 कुछ भी नहीं है, 94 खाली एक आ रहा है 4, वैसे 9435503715 है। कंटिन्यू रखिए मैम, कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यू रखिए इसी नंबर। एक नंबर और है मेरा 8638613005 जी, वो कितने पे आ रहा है? ये आ रहा है मेरा 1 पे आ रहा है। गलत है मैम, बिल्कुल चेंज कर दीजिए इस नंबर को सर। नहीं तो इसको फिर मैं इनकमिंग के लिए रख सकती हूँ? हाँ रख सकते, पर कोई फायदा नहीं है, उसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा आपको आने वाले 6 महीने के अंदर। सर सर जी, समीर भाई। हाँ सर, मेरा ड्राइवर 2 है, कंडक्टर 1 है, मोबाइल नंबर जो है वो 5 पे आ रहा है, मगर उसमें 248 तीनों भी है, तो क्या करें? बिल्कुल उसको बेटर आप अपने इनकमिंग पे रखे और एक नया नंबर आप ले जिससे आप आउटगोइंग कहेंगे। लास्ट में 555 आपके लिए बहुत जरूरी है, तभी जाके वो कहीं ना कहीं पे सपोर्ट देगा। मैंने और एक बात पूछना था। जी मैम बताइए। सर जैसे कि ड्राइवर नंबर 1 आ रहा है, कंडक्टर नंबर 7 आ रहा है, तो मोबाइल नंबर कौन सा होना चाहिए? इसका नंबर मोबाइल नंबर कौन सा होना चाहिए? हाँ मतलब लास्ट में क्या नंबर आना चाहिए? मैम देखिए, जो मेन चीज है आपका ड्राइवर क्या, कंडक्टर क्या? आपका ड्राइवर 1 है, कंडक्टर 7 है। हाँ, तो आपको सबसे पहले अपने मोबाइल नंबर में 248 नहीं रखने हैं आपके। हाँ, जो लास्ट में टोटल आएगा वो 555 आएगा, टोटल आप 6 ले दीजिए। अच्छा 555 या 6 लेना है जी। तो ये मेरा कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है फ्रॉम 1st अक्टूबर, और ये आप लोगों के लिए लास्ट मौका है कि जब आप इस रेट के ऊपर इस कोर्स को कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप मार्केट में जाके चेक करते हैं तो इस रेट के ऊपर कोई भी पूरा कोर्स नहीं करवा रहा, लोग सिर्फ इसको बेसिक कोर्स करवा रहे हैं ऑन दिस रेट, जबकि मैं जो है ये पूरा 14 डेज का कोर्स करवाता हूं, जिसके अंदर आपको लाइव टेस्टिमोनियल भी मिलेंगे, साथ में ये सारी की सारी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी जो अगले 3 महीने या 6 मंथ्स के लिए आपके पास रहेगी, जो आपके लिए रेडी रेकनर का काम कर सकती है। उसके अंदर साथ साथ हमारा जो ग्रुप बनता है व्हाट्सएप का, वो कभी भी डिलीट नहीं होता है, तो आपको हमेशा उसमें लेटेस्ट इंफॉर्मेशन साथ में अपडेट होती रहती है। जो लोग आज इसके साथ ज्वाइन करते हैं उनके लिए ये बेनिफिट है कि उनको 5100 की फाइल, जो उनकी पर्सनल फाइल है न्यूमरोलॉजी की, वो उनको मिलेगी। तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत बेहतरीन मौका है, आज पूरे दिन में जितने भी लोग पेमेंट कर देंगे उनके लिए 5100 की वर्थ की फाइल उनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से वो उनको दी जाएगी। हेलो सर जी, अनिता जी, टाइमिंग 3 to 5 PM अक्टूबर का टाइमिंग क्या रहेगा मैम? 3 to 5 PM ठीक है सर, लेकिन मेरा तो नहीं पॉसिबल होगा, मेरा ऑफिस का टाइमिंग है। तो मैम वो 1st नवंबर से नया कोर्स स्टार्ट करेंगे, वो 7:30 to 9:30 सैटरडे संडे का कोर्स होगा। सर अगर 7:30 PM अटेंड नहीं करवा तो वो रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं? सॉरी बेट, दोबारा रघु जी दोबारा बोलिए। अगर 3 PM to 5 PM अटेंड नहीं हुआ तो रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको, रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको, यूट्यूब की रिकॉर्डिंग मिलेगी ऑन योर पर्सनल ईमेल आईडी। वो हमेशा 90 दिन के लिए या 180 डेज के लिए आपके पास रहेगी एज अ रेडी रेकनर, आप जब भी चाहें उन वीडियोस को देख सकते हैं। 180 डेज का मतलब होता है 6 मंथ्स। तो जो भी आज इसका रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, जो कल कराएंगे उनके लिए स्कीम नहीं है, आज जो करवाते हैं उनकी पर्सनल फाइल ऑफ 44 पेजेस, जिसमें उनके नेम के स्पेलिंग, उनके लकी कलर्स, लकी नंबर्स, लकी प्रोफेशन, आने वाले 10 साल कैसे हैं, ये सारी चीजें साथ में दी जाएंगी। तो वो फाइल का बेनिफिशियल बहुत है, आप एक बारी जब उसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा आपकी लाइफ में वो फाइल कितना बड़ा रोल प्ले कर सकती है। तो जो लोग भी आज इसके अंदर एडमिशन लेते हैं उनके लिए हमारे पास स्पेशल ऑफर है 5100 की ये फाइल, और इसके बाद
जो अगली बारी कोर्स होगा उसकी फीस होगी 1, 2, 3, 4, 5। तो जल्दी इस मौके को फायदा उठाएं, इसको जाने मत दे अपने हाथ से। जी जी पीयूष भाई। हेलो। हाँ जी। हेलो सर। जी पीयूष जी, ये जो आपने कुआ नंबर बताया था, हाँ, तो उसके अंदर आपने बताया था कि ये मेल रहेगा उसका 11 माइनस जो भी आपका जो आता है वो माइनस माइनस करने का, तो लेडीज में क्या करना रहता है? 4+ रिमाइंडर, फोर प्लस जो अपना ईयर का जो आता है वो उसमें प्लस करने का, प्लस करने का है, उसको सिंगल डिजिट पे लेके जाना है। जैसे मान लीजिए 1971 की फीमेल है, 2+9+7+1 हुआ 13, जुड़ा तो हुआ 4। अब हमने क्या देखना है कि हमने कैसे उसके हिसाब से जोड़ के लेके आना है। तो 1+9+7+1=9, 9+4 कितना हुआ? 9, 13 को जोड़िए सिंगल डिजिट पे, 4 हो गया। 4, तो उस फीमेल का जो 1971 में पैदा हुई है उनका कुआ नंबर आएगा 4। अच्छा, दूसरा सर आपने बताया था कि 6 नंबर गुरु का है जी, और तो 7, 8, 9 नंबर कौन से ग्रह को केतु करते हैं? 7 नंबर केतु, 8 नंबर शनि, 9 नंबर मंगल, मार्स। अच्छा, मंगल, केतु, शनि और मंगल। केतु नंबर 7, शनि नंबर 8, 9 नंबर मंगल, मंगल का है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वेलकम वेलकम। हेलो जी पीपी जी। जी पीपी जी। हेलो सर। सर जी, कोर्स अक्टूबर 2020 15 दिन का कोर्स चलेगा, लेकिन 16 दिन का हो जाएगा क्योंकि 2 अक्टूबर बीच में आ रही है, 2 अक्टूबर को क्लास नहीं होगी, संडे की क्लासेस नहीं होती हैं। 3 to 5 PM का कोर्स रहेगा मैम आफ्टरनून। लेकिन कोर्स में क्या क्या इंक्लूड होगा? जैसे मैम वो आपको आपके व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, नंबर आप मेरा नोट कर लीजिए 9, 9, 4, 4, 4 का अभी ये चैप्टर है नहीं। सबसे पहले आपको ये समझना है आपकी डेट ऑफ बर्थ है क्या, पहले मुझे वो बताइए। सितंबर 2, 1984। September 1984। हाँ जी। आप अमेरिका के हिसाब से चल रहे हो, हमारा जो हिसाब है 2 September 1984 है। So, आपका ड्राइवर 2 है, कंडक्टर 6 है। ठीक है। ठीक है? अब आपके लिए जो सबसे बड़ा एनिमी है वो हमें देखना है नंबर 9। तो आपका टोटल मोबाइल का जो है वो कभी भी 2, 4, 8 पे नहीं आएगा। सबसे पहली चीज, आपका सबसे बड़ा जो स्पोर्टर है वो है नंबर 1 and नंबर 5। तो आप अपने मोबाइल में, चूंकि पता नहीं मुझे अमेरिका में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लास्ट मिल जाएगा, इजी मिल जाएगा। तो उसके क्या आप कर सकते हो, अपना पासपोर्ट पहले चेंज करो, अपना मोबाइल का कोड चेंज करो, आप अपना एटीएम का कोड चेंज करो, उसकी फ्रीक्वेंसी को अपने साथ जोड़ो। जितना उसकी फ्रीक्वेंसी को आप अपने साथ जोड़ेंगे उतना वो आपके लिए स्पोर्टिव होता जाएगा। ब्लैक और डार्क ब्लू कपड़े आपके लिए नेगेटिव है। कौन से? ब्लैक एंड डार्क ब्लू। ओके, तो वो सबसे ज्यादा आपके लिए स्पोर्टिव जो है वो रहेंगे रेड, मैरून, ग्रीन, व्हाइट। ओके, येलो इज आल्सो नेगेटिव फॉर यू। ओके, सो ये सब कुछ मैं जो बता रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर से, क्योंकि वो डेट ऑफ बर्थ नवदीप जी बिल्कुल फिक्स्ड है, कभी चेंज नहीं हो सकती। भगवान ने उसके अंदर बहुत सारे गुण डाल के भेजे हैं। और होता क्या है, जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं एक वर्ड यूज करता हूं, ऑपोजिट नंबर अट्रैक्ट ईच अदर। सो नंबर 2, 4, 8 and 3 आर योर बिगेस्ट एनिमी। सर एक डाउट है सर, तो सर मैं इसका जैसे पासवर्ड रखूं तो वो 1515 अपने एटीएम का, जैसे पासवर्ड आप रख सकते हैं 1616। ओके, वो चल जाएगा दोनों का? बिल्कुल चल जाएगा, वो 5 पे आ जाएगा। मोबाइल नंबर मोबाइल नंबर मैम वो आपको अमेरिका के हिसाब से देखना पड़ेगा, बिकॉज वो यहाँ पे इंडिया में तो इजीली मिल जाता है, यहाँ भी मिल जाएगा। तो एक बार आप उससे काउंटर पे जाके फिर मुझे कॉल बैक करिएगा, फिर मैं समझाऊंगा। जब आप कोर्स करेंगे तो वो कोर्स में और क्लियर हो जाएगा क्या है किस ढंग से। जी सर, सर फोर, हेलो सर, ड्राइवर नंबर 2 और कंडक्टर नंबर 3 है और मोबाइल का फुल नंबर है 1।
रूपल जी दोबारा बोलिए, ड्राइवर कितना, कंडक्टर कितना है? ड्राइवर नंबर टू, कंडक्टर थ्री। ठीक है, तो कभी भी टोटल आपका सिक्स पे नहीं जाएगा। दोबारा बोलिए। मोबाइल का टोटल नंबर वन आता है। हाँ तो मैम ठीक है, क्या उसमें 248 आ रहा है मैम? 2 आ रहा है, 8 आ रहा है। नहीं मैम, उसको डिसकंटिन्यू करिए। आपको वो मोबाइल नंबर लेना है जिसका टोटल लास्ट में 111 आए, टोटल 5 पे आए, या 111 हो लास्ट में और 5 पे टोटल ले जाइए। तो आप फिर देखिएगा अगले 6 महीने में कैसे आपकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है। अगर आप इसको टेस्ट एंड ट्राई करना चाहते हैं तो अगले 43 डेज के लिए अपना पासकोड और अपना ATM और अपना मोबाइल का जो कोड है वो चेंज करके देखिए। और सर, ड्राइवर नंबर 9 और कंडक्टर नंबर 1 होगा और टोटल मोबाइल नंबर 6 है, तो अभी ठीक है चल जाएगा, पर इतना बढ़िया नहीं है। उसको टोटल नंबर आप 5 पे लेके जाइए। ओके जी, थैंक यू सर। जी पीयूष जी, जी समीर भाई पहले आप बोलिए। समीर भाई पहले आपका काम था, समीर जी बोलिए आप। सर फोन लॉक और ATM कोड जो आपने बताया जी, जी उसका फॉर्मूला क्या है? मतलब उसका फॉर्मूला 1616 सबके लिए चाहिए या यूनिवर्सल है या 5 नंबर हर एक के लिए स्पोर्टिव है? 1616 टोटल कितना आया समीर भाई? 1616 12 14 5 आ गया। यस 5 आ गया ना। 5 नंबर एक ऐसा नंबर है जो हर एक के लिए बेनिफिशियल है। ओके, वो हर एक को सपोर्ट देता है। आप ये देखो कि हमारा जो शरीर बना है दैट इज फ्रॉम 5 तत्व। यस पंचमा, ठीक है ना। अब देखो भगवान ने फिंगर्स भी 5 दी। जहां जहां आप लाइफ में देखते जाओगे वो लाइफ में 5 का बहुत बड़ा रोल है और हम समझ नहीं पाए थे इसको। ओके, अब देखो इंडिया को स्पेलिंग दिए गए जान पूछ के इंडिया, जबकि वो आते हैं 3 पे। और मैंने वो क्या बताया, 6 का दुश्मन कौन है? 3। तो इंडिया की डेट ऑफ बर्थ क्या है? 15 अगस्त। बस बात समझ में, जान पूछ के वो हमारे पे थोपा गया है और एक मुहिम हम चला रहे हैं जिसको हम कहते हैं कि हमें वापस इसका नाम भारत लेके आना, BHARAT भारत। जिस दिन भारत हो गया समीर भाई, इंडिया वापस टॉप पे पहुंचने वाला है। क्योंकि चाइना भी 6 पे है, कनाडा भी 6 पे है। अच्छा, इंडिया को वापस हमें भारत करना है, ये मेन चीज है। हेलो सर, नहीं चाहिए। जी 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 अनीता जी। हेलो सर, मैं वो 1 नवंबर वालों के लिए आज फीस जमा कर सकते हैं? उस दिन बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं मैम। उसकी जो फीस है वो होगी 3333 पर मंथ। वो 2 महीने का कोर्स होगा, वो हर मंथ आप चाहो तो हर मंथ दे सकते हो, इकट्ठे देना चाहो इकट्ठे भी दे सकते हो आप। अगर आप आज देते हैं तो आपकी फाइल बनेगी, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। ठीक है, तो 666 में डाल देती हूँ। आपने जो अकाउंट नंबर दिया था ना मेरे को। जी मैम बिल्कुल ठीक है। हेलो सर, मेरा जैसे अगर मोबाइल नंबर जैसे ऑफिस में भी यही चलता है ये 86386 वाला, उसको अनीता जी आप अपने पास रखिए और एक नए फोन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या मैम, दोबारा बताइए फिर। 24th March 1970। और लास्ट में मेरा कंडक्टर हो गया 8। हाँ ठीक है, 6 उसका फ्रेंड है। खाली बस मेरा दूसरा नंबर जो है जिसका टोटल 1 पे आ रहा है, उसको नहीं यूज करना, उसको सिर्फ इनकमिंग पे रख लो। क्योंकि आपका हो सकता है वो हर जगह नंबर बटा हो, उसको इनकमिंग पे रख लो। तो आप इनकम आउटगोइंग करोगे ना अगले 1 साल के अंदर, तो सब उस नंबर को अपडेट कर देंगे। सर मेरा जो नंबर है, मेरा मोबाइल बजट नंबर है ड्राइव नंबर 7 और जो कंडक्टर नंबर 3 आता है, ठीक है, और मेरा मोबाइल नंबर का टोटल मानेगा तो 9 आता है, ठीक है। तो फिर मुझे इसमें क्या करना चाहिए आगे? पीयूष भाई सबसे पहले तो आपको मोबाइल नंबर चेंज करना है इफ यू वांट कि आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए। लास्ट का 555 आएगा और टोटल 5 पे लेके आइए। 111 और ट्रिपल लास्ट का टोटल 5 पे लेके आइए। ये टोटल मोबाइल का जो 10 डिजिट का नंबर टोटल 5 आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल 5 आना चाहिए, उसमें 248 नहीं आएगा डियर। 248 भी नहीं आना चाहिए? नहीं और सब दूसरा मैंने नंबर दिया है 9911736555, ना तो 2 है ना 4 है ना 8 है, नहीं है। 555 आ रहा है, टोटल 6 पे आ रहा है। यस सर, ये 3 सिद्धांत को फॉलो करना है। यस सर, जितना सिद्धांत को फॉलो करेंगे आप देखेंगे अगले 6 मंथ्स के अंदर
वो मेरे कैसे आपसे आके जुड़ जाता है, वो मेन चीज है। हेलो, दूसरा एक मेरा नंबर था, मुझे टोटल आता है ड्राइव नंबर है 9 और कंडक्टर नंबर है 5। ओके, और मोबाइल नंबर जो आता है वो आता है 4। गलत है। टोटल है वो लास्ट में 555 करके टोटल 1 पे ले जाए उसको। अच्छा, 555 करके 1 पे लेके आने का टोटल उनका। बिल्कुल बिल्कुल। और बच्चा समझो, ये एक नंबर नहीं मिलता तो फिर गड़बड़ है, कभी टोटल नहीं भी मिलता है। कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, मैं बंदे का नंबर दे दूंगा। और दूसरा सर, मेरा जो आपने बताया था पहले कि मैंने 20 नंबर आता है, मेरा मोबाइल नंबर 20 आता है, ये 2 नंबर और मेरा बर्थडेट भी 2, ड्राइवर 2। हाँ, टोटल मुझे कितना आना चाहिए? आपके लिए बेस्ट जो रहेगा वो नंबर 5 रहेगा। टोटल भी 5 आना चाहिए और ज्यादातर मोबाइल के अंदर भी 5 नंबर ज्यादा आना चाहिए। 1 रख सकते हो मोबाइल में। अच्छा, 1 ज्यादातर मोबाइल में। 1 एक नंबर पे भरोसा मत करो। अच्छा, लाइफ में कॉम्बिनेशन बनाओ। ओके, 11 55 66। यस यस यस, वो मेन चीज। आप चाहे तो 666 रख सकते हैं, 66 रख सकते हैं, टोटल जो आएगा वो सिर्फ 5 आएगा। और अगर लास्ट में आप 555 रखते हैं और 5 टोटल लेके आते हैं, ज्यादा सपोर्टिव रहेगा। तो सर, जैसे इस बच्चे के कुंडली में जैसे कि डेट ऑफ बर्थ में 5 है, तो ये क्यों इसकी लकी चांस नहीं है? ये कहाँ पे लकी चांस नहीं है इसका? जैसे मिडिल में तो पहुंच रहा है, करना पड़ेगा ना आपको ये प्लेटफॉर्म। वो तो मैं करूंगी, वो तो 108% मैंने कर नहीं करा। आपको कोर्स करके ही समझ में आ जाएगा कहाँ से कैसे सपोर्ट लेना है, यही हमारा पर्पस है उसके अंदर समझाने के लिए। ठीक है जी जी जी, ठीक है। अभी जैसे कि ड्राइवर नंबर 3 है, एक कंडक्टर नंबर 7 है, तो इनका मोबाइल लास्ट में 9 आ रहा है, एक नंबर। गलत है। देखो, लास्ट में 9 आके वो फ्रीक्वेंसी को खराब कर रहा है। हमारे को ये देखना है कि लास्ट के जो 3 नंबर है उसकी फ्रीक्वेंसी कैसे हाई करनी है। तो मैंने आपको पूरा बता दिया है, 1 का दुश्मन कौन है, 2 का दुश्मन कौन है, उस फॉर्मूले को आप करिए। बाकी तो कोर्स कर रहे हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक जी। सविनय जी पूछिए। हेलो जी विजय भाई, बोलिए। सर जी नमस्कार। नमस्कार विजय भाई। सर, ड्राइवर नंबर 5 कंडक्टर 9 है और मेरा मोबाइल नंबर का टोटल 7 आ रहा है। ड्राइवर 5 है, कंडक्टर 9 है, मोबाइल का टोटल जो है वो 7 आ रहा है। यस सर। ठीक है, तो आप क्या करिए, लास्ट में 555 लेके टोटल 1 पे ले जाइए। टोटल 1 पे लेके जाओ। हाँ। नहीं चलेगा भाई, बात क्या, 9 का दुश्मन कहीं ना कहीं 6 है। हाँ, तो आप इसमें क्या कर सकते हो, 666 ले लो और टोटल जो है 1 या 5 पे ले जाओ। ऐसे भी कर सकते हो आप, लास्ट में 666 ले लो, उसकी फ्रीक्वेंसी अच्छी हो जाएगी, वो बिजनेस को बढ़ा देगा। टोटल जो है वो 1.5 पे ले जाओ। चलिए दोस्तों, आज का हमारा साथ रहने का बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पर्पस यही है कि जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पहले मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। पर्पस यही है कि ये जो कोर्स होने जा रहा है, इसके अंदर आपको पूरे 25 चैप्टर सिखाए जाएंगे कि कैसे आपको मोबाइल न्यूमरोलॉजी के अलावा अपनी लाइफ में कैसे सपोर्ट लेना है थ्रू न्यूमरोलॉजी। दोस्तों, न्यूमरोलॉजी अपने में बहुत जबरदस्त साइंस है और बहुत जल्दी रिजल्ट देती है, बिकॉज आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो यूनिक है और उसके अंदर से सपोर्ट निकालना हमारा मेन काम है। तो आप इस कोर्स को आइए, ज्वाइन करिए। लास्ट टाइम ये मौका है आपके लिए जब इस रेट के ऊपर ये कोर्स होने जा रहा है। उसके अलावा अब जब भी ये कोर्स होगा उसकी फीस होगी 1, 2, 3, 4, 5। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय गुरु जी। किसी कुछ क्वेरीज है तो आप उसी ग्रुप में डाल सकते हैं, वहीं आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू सर, लॉट ऑफ थैंक्स। थैंक्स अ लॉट जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। यस सर, थैंक यू सर।